वहीं छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी का महाअभियान जारी रहेगा। किसानों से अब तक 39.27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 12.70 लाख किसानों को ऑनलाइन 1,033 करोड़ रुपए का भुगतान कस्टम मिलिंग के लिए 28.98 अधिक का उठाव हुआ है। राज्य में धान खरीदी के लिए बनाए गए हैं 2,594 उपार्जन केंद्र। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे साथ नेहा केशरवानी संवाददाता रायपुर से। नेहा, तो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी का महाअभियान जारी है। बिल्कुल, देखिए 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई थी और एक महाअभियान अब तक जारी है और लगातार जो है धान खरीदी यहां पर हर प्रदेश के हर जिलों में चल रही है। 49 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक जो धान की खरीदी है वो अब तक हो चुकी है और उसी के एवज में धान उठाव का सिलसिला भी जारी है। 28 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव सरकार कर चुकी है। प्रदेश के हर जिले से जो है ये धान खरीदी का सिलसिला जारी है। सरकार का इस बार का लक्ष्य है 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो किया गया है और 110 लाख मीट्रिक टन ये जो आंकड़ा है वो 31 जनवरी तक पूरा करना भी सरकार के पास एक टारगेट है और 31 जनवरी तक ये जो धान खरीदी का सिलसिला है वो चलेगा। और इसी तरीके से यहां पर अगर हम बता दें तो इस बार जो है 25 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 1 लाख अधिक किसान का रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार पिछले बार की अपेक्षा जो है ज्यादा लक्ष्य भी धान खरीदी का रखा गया है। तमाम सुविधाएं किसानों को सरकार की तरफ से दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। ऑनलाइन टोकन भी सरकार द्वारा जो है वो जारी किया जा रहा है एक ऐप के माध्यम से। जब आप एक ऐप के माध्यम से किसान जो है मैसेज करता है तो उनका जो ऑनलाइन टोकन है वो भी जारी हो जाता है। इससे धान खरीदी केंद्रों में किसानों को लाइन लगाना या भीड़ जैसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। 17,000 से भी अधिक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ऑनलाइन टोकन के जरिए भी जो है अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब जो है यहां ये जो सिलसिला है वो ऐसे ही 31 जनवरी तक चलता रहेगा। फिलहाल अभी सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है हर संभव प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।